फिटर के YouTube चैनल में स्वागत है आपका। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम टिर्की फिटर नॉन टेक्निकल बैच की टेट सीरीज 7 को सोल आउट करेंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। CITS एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड, जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले आज का गोल्डन रूल है, सीखना बंद तो जीतना बंद, पढ़ना बंद तो बढ़ना बंद, धार जितनी तेज होगी लकड़ियां उतनी ज्यादा कटेंगी, रिवीजन जितना ज्यादा होगा याद उतना ही परफेक्ट होगा। अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। ऑप्शन क्या है, 40 मीटर प्रति सेकंड, 80 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड और 45 मीटर प्रति सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में महत्वपूर्ण चीज क्या है कि मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना है। तो फ्रेंड, इसके लिए क्या ध्यान रखना होगा, सबसे पहले पता होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं या 18/5 से गुना करेंगे। यह पता होना चाहिए कि 5/18 से गुना करेंगे या 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो पता करेंगे कैसे, पता करेंगे ये सीखते हैं। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा हमने लिखा यहां पर और मीटर प्रति सेकंड में हमें चेंज करना है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। देखिए, किलोमीटर मीटर की अपेक्षा क्या है, बड़ी राशि है। क्या है, बड़ी राशि है। और मीटर में चेंज करना है तो मीटर क्या है, मीटर है छोटा नंबर, छोटी राशि है। मतलब कहने का, इसकी अपेक्षा क्या है, छोटी राशि है। तो ऊपर जो आएगा वो ऊपर छोटा नंबर आएगा, ये 5 क्या है, ये छोटा है, ठीक है। और नीचे क्या है, बड़ा आएगा, नीचे बड़ा नंबर आएगा। बस आप एक चीज ध्यान रखिए कि किलोमीटर यहां पर बड़ी राशि है और यहां पर क्या है, मीटर छोटी राशि है। जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो मीटर क्या है, ऊपर छोटा अक्षर है, मतलब छोटी राशि है। तो ऊपर 5 रखेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। ऊपर आएगी छोटी राशि यानी छोटा नंबर, छोटी राशि तो छोटा नंबर, बड़ी राशि ऊपर, बड़ी राशि तो बड़ा नंबर, ठीक है। 5/18 कर देंगे, ये आ जाएगा क्लियर, ठीक है। अब देखिए, यहां पर मैं आपको यहां पर ये भी क्लियर करके बताऊंगा कि ये 5/18 आता कैसे है, यह 18/5 आता कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि, अच्छे से आप ये बताइए कि ये क्लियर हो चुका है आपको, कमेंट करके सभी बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, किलोमीटर बड़ी राशि है, मीटर छोटी राशि है, तो छोटी राशि है तो ऊपर छोटा नंबर आएगा। अब यदि कहे कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो ऊपर क्या है, किलोमीटर है, तो यानी बड़ी राशि है, तो 18/5 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। मीटर क्या है, किलोमीटर की अपेक्षा छोटी राशि है, मीटर है छोटी राशि किलोमीटर की अपेक्षा, यानी किलोमीटर क्या है, बड़ी राशि है। तो ऊपर हमने 18 रख दिया, ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे क्या है, छोटी राशि है। अब देखिए, डिटेल में मैं आपको बताया है कि डिटेल में कैसे इसको करना है, यह 18/5 आता कैसे है या 5/18 आता कैसे है, यह मैंने आपको बताया यहां पर डिटेल से। आपको एक डिटेल यहां पर, मतलब क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में, वहां पर एग्जाम में ये डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं तो कि पता होना चाहिए कि 5/18 आता कैसे है या 18/5 आता कैसे है, ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 5/18 की बात करते हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति का मतलब होता है बटा, ठीक है, पहली बात क्लियर। अब किलोमीटर को लेते हैं, 1 किलोमीटर बराबर होते हैं फ्रेंड्स 1000 मीटर। यहां तक क्लियर। अब घंटा जो है, 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, वीडियो के एंड तक बने रहिए। और किलोमीटर, ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, किलोमीटर बटे घंटा, वही चीज थी लेकिन हमने यहां पर इस तरीके से इसको लिखा। ठीक है, तो जब यहां किलोमीटर बटे घंटा है, तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर की वैल्यू है ये 1000 मीटर, यहां पर रखा हमने। अब 1 घंटा की जो वैल्यू है 3600 सेकेंड, ये हमने नीचे रखा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, ये 5/18 आ गया फ्रेंड्स मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर, मीटर कहां से आया इसमें? देखिए 1 किलोमीटर को हमने चेंज कर दिया था 1000 मीटर में, तो ये मीटर यहां पर आया। ठीक है, और 1 घंटे को हमने 3600 सेकेंड में चेंज कर दिया, तो इसलिए यहां पर सेकेंड आया। और बटे में है तो प्रति का चिन्ह आता है, बटे का मतलब होता है प्रति से, ठीक है, या प्रति का मतलब होता है बटा। क्लियर हो चुका है सभी फ्रेंड्स को? अब देखिए 18/5 की बात करते हैं, 18/5 आता कैसे है? देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मैंने आपको ट्रिक में ही बताया है कि ऊपर बड़ी राशि है, ऊपर बड़ी राशि है, यानी ये किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तभी तो आएगा 18/5। ठीक, तो फ्रेंड्स 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। हमें 1 मीटर की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि हमें यहां पर मीटर की वैल्यू पता करनी है। अब मीटर का, 1 मीटर की वैल्यू पता होगी तो हम यहां पर रख देंगे, और 1 सेकंड की वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अब मीटर यहां पर कांस्टेंट रखा, और बटे जो गुणा की चीज होती है वह बटे में जाती है, तो 1 मीटर बराबर क्या आ जाता है? 1/1000 किलोमीटर, किलोमीटर आ गया है, 1 मीटर को हमने चेंज कर दिया किलोमीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 1 सेकंड की जो वैल्यू है वह क्या आ जाएगी? 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड। अब सेकंड हमने कांस्टेंट रखा, 3600, ये 1 के बटे में चला जाएगा, 1/3600 घंटा आ जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए जो मीटर प्रति, ये जो तिरछा डंडा है, प्रति का चिन्ह है, प्रति का मतलब होता है बटा से। अब हमने इसको इस रूप में रखा, ठीक है। अब जो 1 मीटर की वैल्यू आई है, यह क्या आई है? 1/1000, ये हमने यहां पर रखा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक जो सेकंड की वैल्यू है, 1 सेकंड की जो वैल्यू कितनी आई है? 1/3600। अब देखिए जो ऊपर वाली भिन्न है उसको हम यहां पर रखेंगे, और जब भाग करते हैं भिन्नों में, जो भाग होती है निचली वाली जो भिन्न है, ये उल्टी हो जाती है और गुणा का चिन्ह आ जाता है। ये 3600/1 हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नीचे 5 आ जाएगा, और 2 से 18 आ जाएगा, ये आ गया 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, 18/5 आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें। देखिए डिटेल वाला तरीका आपको नहीं करना है, मैं आपको ये समझाने के लिए ही बताया था, ट्रिक मेथड से हम सॉल्व करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन चेंज क्या हमें करना है? मीटर में, मीटर प्रति सेकंड में। अब मीटर क्या है? छोटी राशि है, तो छोटी राशि मतलब छोटा नंबर ऊपर, तो 5 ऊपर और नीचे 18। क्लियर, गुना कर देंगे इसको, 18 चौक 72, 4 आ गया, 4 की गुना 5 में करेंगे, और 20 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो चुका है। अब देखिए ये हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
20 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कार की चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, इतनी चाल से वह 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है, 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ऑप्शन क्या है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व आउट करना है। कार की जो चाल है वह कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है फ्रेंड्स। तो दूरी हमें जो ज्ञात करनी है फ्रेंड्स, तो चाल पता होनी चाहिए और समय पता होना चाहिए, ठीक है, और चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और समय हमें ज्ञात करना है पहले। क्लियर हो चुका है। अब देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा इस दूरी को तय करने में लगा समय कितना, 4 मिनट, ये क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स। देखिए इतनी चाल को तय करने में जो समय लगा वो 4 मिनट, यानी समय आ गया 4, ठीक है, 4 मिनट आ गया। इस समय में ये जो समय है, समय हमें घंटों में चाहिए, क्योंकि राशि जो है, राशि हमें बराबर करनी होती है, क्योंकि चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा इस दूरी को तय करने में लगा समय है 4 मिनट। अब ये मिनट में है और चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो एक घंटे की जो वैल्यू है 60 मिनट है, एक मिनट की हमें वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तो एक मिनट का मान आ जाएगा, मिनट यहां पर कॉन्स्टेंट रखा और गुना की चीज बटे में जाती है, इस एक के बटे में, तो जो एक मिनट का जो मान आ गया वह आ गया 1/60 घंटा। तो 4 मिनट में कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4 मिनट में हो जाएगा 4/60 घंटा। इसे 15 से 4 से काट देंगे, 4 × 4 और 4 से 15 को, 4 से 15 × 60, ठीक है, 1/15 आ जाएगा। समय क्या आ गया फ्रेंड, समय आ गया हमारा 1/15 घंटा। ये बताओ यहां तक क्लियर हो चुका है सभी साथियों को, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए समय भी हमें पता हो गया, समय हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है, समय और चाल भी हमारे पास है, हमें ज्ञात करना क्या है, करना है हमें दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है फ्रेंड्स, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल हमारे पास क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या है, समय हमने अभी ज्ञात किया है 1/15, ठीक है। चलिए देखते हैं, दूरी हो जाएगा हमारे पास, दूरी बराबर क्या है, चाल गुना समय, चाल है हमारे पास 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या है 1/15। ये कैसे आया है, अभी मैंने बताया था 4 मिनट दिया गया था हमें, और चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमने मिनट को हमने घंटे में चेंज किया, ठीक है, तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 × 3 = 45, 3 किलोमीटर आ जाएगा फ्रेंड्स, दूरी कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर। बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम श्योर बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्कूटर सवार 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। जो स्कूटर सवार है वह 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ऑप्शन क्या है, 150 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, 175 किलोमीटर और 180 किलोमीटर। चलिए देखिए इसको कैसे सोल्व आउट करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, क्लियर। क्यों, क्योंकि यहां पर घंटे का जिक्र हुआ है, क्वेश्चन में कहा गया है 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। देखिए
यहां पर घंटे का जिक्र कर दिया है और यहां पर क्या है, मीटर प्रति सेकंड की बात कही है, तो यानी मीटर प्रति सेकंड को इसमें चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? पहले मीटर प्रति सेकंड को घंटे में चेंज करते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। मैंने आपको बताया है अभी यहां पर मीटर है और हमें कह में चेंज करना है किलोमीटर में, तो किलोमीटर क्या है, बड़ी राशि है, तो 18 ऊपर, यानी बड़ी राशि है तो बड़ा नंबर ऊपर, 18/5 करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, 18 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स चाल आ गई हमारी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए फ्रेंड्स, समय जो है 3 घंटे 20 मिनट लेता है। कितना समय लेता है? 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट समय लेता है। इसको हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समय हमेशा घंटे में होना चाहिए। अब ये 20 मिनट है फ्रेंड्स, इस 20 मिनट को हमें घंटे बनाना है। कैसे बनाएंगे? 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 60 गुना का है, ये बटे में जाएगा, 1/60 घंटा, ठीक है? तो 1 मिनट में जब 1/60 घंटा होता है, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 20/60, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, तो 1/3 आ गया, ठीक है? तो 3 + 1/3 आ गया, ये गुना करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक होता है, 3/1 + 1/3 क्रॉस गुना करेंगे फ्रेंड्स, 9 + 1/3, तो 10/3 घंटे आ जाएगा ये, और ये हमारा 10/3 घंटे आ गया, समय आ गया ये हमारे पास। अब क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल हमने ज्ञात की है 54, और समय हमने अभी ज्ञात किया है 10/3, 3 से 54 को काट देंगे, 18 आ जाएगा, 18 की 10 में गुना करेंगे, दूरी आ जाएगी 180, ठीक है? देखिए ये हमें दूरी क्वेश्चन में कहा गया है कि कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इसलिए हमने दूरी का सूत्र लगाया है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। फ्रेंड्स सभी साथियों को क्लियर हो चुका है, चाल दूरी बराबर चाल गुना समय, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा का वेग ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या है हमारे पास, 8,2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3,4 किलोमीटर प्रति घंटा, 2,8 किलोमीटर प्रति घंटा और 5,3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड देखिए, शुरू में जो ऑप्शन दिया गया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है शांत जल में तैराकी चाल, ये शुरू के नंबर हैं और बाद का जो नंबर है वह धारा का वेग दिया गया है। तो फ्रेंड देखिए इसको कैसे सोल्व आउट करना है, जो धारा की दिशा में चाल दी गई है वह कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमने एक्स मान ली है, और धारा के विपरीत जो चाल है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये हमने वाई मान लिया है, क्लियर? और फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर्मूला है शांत जल में तैराक का वेग, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 × x + y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? और धारा का जो वेग है 1/2 × x - y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया धारा का वेग। बस हमें सूत्र में मान रखने हैं एक्स तथा वाई के, ठीक है? अब देखिए, जब शांत जल में तैराक का वेग हम ज्ञात करेंगे, तो 1/2 ये कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू क्या है 10 और वाई की वैल्यू क्या है 6, जोड़ देंगे 16/2 = 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक ऐसे ही धारा का जब वेग ज्ञात करेंगे, तो 1/2 कांस्टेंट है, एक्स 1/2 कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू क्या है 10 है, वाई की वैल्यू क्या है 6 है, तो कैलकुलेशन करेंगे, 10 - 6 = 4, 4/2 = आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, देखिए
शांत जल में तैरा का वेग हमारा आया है 8 और धारा का वेग आया है 2। तो जोन से भी ऑप्शन में 8 और 2 होंगे, वह राइट आंसर हो जाएगा 8 और 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन क्या है? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर और बाबर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, केंकुबाद और आराम शाह। तो फ्रेंड देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन क्या है? गोपाल, धर्मपाल, बल्लाल और देवपाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन क्या है? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी और नन ऑफ कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? 4 सही 7/8 इंटू 2 सही 4/13, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? ऑप्शन क्या है? 11 सही 3/8, 11 सही 4/13, 11 सही 1/4, 11 सही 1/13। देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सोल्व आउट करना है। जो वैल्यू हमें दी गई है, पहले तो इसको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 सही 7/8 है, तो इसकी 8 की गुना 4 में करेंगे और फिर जो आएगा उसको 7 जोड़ देंगे। देखिए 8 चौक 32 और 7 39/8, गुना का चिन्ह है, फिर 13 दूनी 26 और 4 30/13, ये आ गया। अब इसकी क्रॉस गुना करेंगे फ्रेंड्स, क्रॉस गुना करने के लिए जो जिससे भी कटेगा उससे काट देंगे, 8 को काट देंगे 2 चौक 8। ठीक है, और 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, 15 दूनी 30 और 13 से 39 को काट देंगे, 3 आ जाएगा। फिर 3 की और 15 की गुना करेंगे, 45/, नीचे क्या है? 4 है, तो 45/4 आ गया। 4 से 45 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 11, भागफल में आएगा और 1 शेष बचेगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं, कैसे लिखते हैं सही रूप में। 11 सही 1/4, 4 की जब गुना करेंगे, 11 चौक 44 और 1 45, ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 11 सही 1/4। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुपों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3/8 + 1/2 का 3/16 हमें ज्ञात करना है, क्या होगा? ऑप्शन क्या है? 15/16, 21/128, 15/32 और 3/4। देखिए फ्रेंड्स कैसे इसको सोल्व आउट करेंगे। 3/8 + 1/2 का 3/16 है। अब देखिए का मतलब होता है गुना। अब यहां पर बोर्ड मास नियम के अनुसार हम चलेंगे। बोर्ड मास रूल क्या कहता है? बी से होता है ब्रैकेट, का मतलब होता है गुना, डिवाइड, गुना, जोड़ और ये घटाओ। ठीक है, अब देखिए क्रम के अनुसार इसको हम सोल्व आउट करते हैं। अब इसमें जो सूत्र में कह रहा है बोर्ड मास रूल के अनुसार, जो सा भी जिस नंबर पर आता है उसके अकॉर्डिंग उसको करते हैं। पहले नंबर पर कौन सी चीज आती है? अब देखिए का जो है, का ये का सबसे पहले पड़ रहा है, दूसरे नंबर पर है। जबकि जोड़, अगर जोड़ की हम बात करें तो जोड़ 5वें नंबर पर पड़ रहा है। जो पहले नंबर पर पड़ेगा उसको सोल्व आउट करते हैं। ठीक है, जोड़ ही है इसमें, तो जोड़ 5वें नंबर पर आ रहा है और का दूसरे नंबर पर आ रहा है, पहले का को सोल्व आउट करेंगे। क्लियर हो चुका है? देखिए तो 3/8
प्लस 1/2 इंटू 3/8 प्लस 1/2 इंटू 3/16, का की जगह हमने क्या करा, गुना। अब गुना, गुना में और जोड़ में देखेंगे कौन किस नंबर पर आता है। अब गुना तो हमारा चौथे नंबर पर आता है और जोड़ हमारा आता है पांचवें नंबर पर। तो पहले गुना करेंगे भाई, ठीक है, गुना करेंगे पहले। तो 3/8 प्लस ऊपर की ऊपर गुना और नीचे की नीचे, 3/32, ठीक है। अब 8 और 32 का एलसीएम लेंगे, 8 और 32 का एलसीएम ये है, दो से डिवाइड करते हैं एलसीएम में, दो से डिवाइड करते हुए ये आ जाता है एलसीएम 32। तो 32 हमें हमने नीचे रखा, तो 8 से डिवाइड करेंगे 32 को, कितना आता है 4, उस 4 की गुना हम ऊपर करेंगे, ठीक ऐसे ही 32 को 32 से भाग देंगे, कितना आएगा उसकी गुना ऊपर करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, 3 की गुना 4 में की तो 12 आ गया, और 3 इंटू 3 किया हमने तो 3 आया, तो 12 और 3 15, 15/32 ये राइट आंसर आ जाता है। देखिए यहां पर जो भागफल में आया उसकी गुना ऊपर होगी, ये ध्यान कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से। जो भागफल में आया है, भागफल में किसको कहते हैं, जो यहां पर संख्या लिखी जाती है उसको भागफल कहते हैं। भागफल में जो आया है उसकी गुना क्या करनी है, ऊपर करनी है। पहले 8 से हमने एलसीएम को भाग किया, एलसीएम है हमारा 32, भाग करने पर जो यहां पर आया भागफल में इसकी गुना हमें ऊपर करनी है, अंश में जो संख्या है यहां पर 3 में करनी है उसकी गुना। ये क्लियर हो चुका है सभी को, ठीक है फ्रेंड्स। 15/32 ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, सभी एग्जाम के लिए, टेक्निकल का कोई सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब क्या है, कार्य क्षमता बेस्ट टाइप है, टाइम एंड वर्क का कार्य क्षमता बेस्ट टाइप। तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन क्या है, 6 दिन, 7.5 दिन, 8 दिन और 8.5 दिन। देखिए फ्रेंड्स कैसे इसको सोल्व आउट करना है, जो ए है ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, तो हमने लिखा यहां पर 12 दिन, ठीक है। और देखिए यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, समय कार्य क्षमता का उल्टा होता है, ये राइट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, समय कार्य क्षमता का उल्टा होता है। पहले मैं आपको इसी पर बताता हूं क्या है, कार्य क्षमता जितनी अधिक होगी टाइम उतना कम लगेगा, कैसे ये एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझ सकते हैं, जैसे कार की स्पीड ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी उस कार को पहुंचने में उतना ही कम समय लगेगा, जिसकी स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा लेगी, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, ए की तुलना में एक और बी है, ए की तुलना में बी यानी ए 100 है तो बी क्या है 60% अधिक है ए से, तो यानी 160 होगा ये, ठीक है। जो परसेंट होता है ना फ्रेंड्स, परसेंट की जब बात कर देते हैं तो हमेशा 100 एक फिक्स नंबर लेकर चलते हैं, ठीक है, जो मानते हैं हम 100 पर मानते हैं जो भी चीज, और जो भी घटाते हैं जो भी जोड़ते हैं वो 100 पर हमेशा करते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर ए की जो वैल्यू होगी है 100 होगी और बी कितना है 160, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5:8 आ जाएगा 2 से जब डिवाइड करेंगे। ये कार्य क्षमता है फ्रेंड्स, कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमता है, हमें समय ज्ञात करना है, तो समय क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा इसका, 8 इधर और 5 इधर। देखिए समझते हैं इसको, देखिए फ्रेंड्स समझते हैं इसको, यहां पर कार्य क्षमता 5 है, कम है, कार्य क्षमता जितनी कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, समय कितना हो गया यहां पर 8 और यहां पर 5 है, कार्य क्षमता कम है तो समय ज्यादा लगेगा, कार्य क्षमता अधिक है तो समय कम लगेगा, क्लियर हो गया यहां पर, ठीक है। अब देखिए
देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है यहाँ पर, और ये जो समय आया है इसका मतलब ये है, इसको 8 दिन लगेंगे और इसको 5 दिन लगेंगे। ए की जो वैल्यू है ये दी गई है हमें 12, ये 12 दी गई है, और हम कह रहे हैं कि ए और बी की जो वैल्यू है वह 8 और 5 है। तो ये जो ए की जो वैल्यू है ये 12 के इक्वल होगी, ये 8 यूनिट 12 के इक्वल होगी। कैसे? 8 यूनिट की जो वैल्यू है 12 के इक्वल होगी, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 12/8 आ जाएगा। हमें ज्ञात करना है बी की वैल्यू, क्यों? ये क्वेश्चन में कहा गया है। आप देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि उस कार्यों को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, ठीक है? तो बी की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको, तो क्या करेंगे? 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर ली, तो बी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 5 से गुना कर देंगे, 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15/2, ठीक है? डिवाइड करेंगे इसको, सही रूप में लिखेंगे तो 7 सही 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 22 और 19। यहां पर क्वेश्चन मार्क है, ये हमें ज्ञात करना है यहां पर कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन क्या है? 24, 20, 26 और 22। देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग का टाइप क्वेश्चन है ये, अधिकतर हर प्रकार के एग्जाम में ये आता है टेक्निकल के, ठीक है? तो कैसे इसको सोल्व आउट करना है देखिए, ये सिंपल है, सिंपल टाइप 15 है यहां पर, और यहां पर हमें 22 बनाना है, 15 से हमें 22 बनाना है। क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे, ये तो सिंपल है, ठीक है? 15 में 7 जोड़ देंगे फ्रेंड्स। ऐसे ही जो काम यहां पर किया है वही काम यहां पर करना है। 19 से यहां पर 7 जोड़ेंगे, जितना यहां पर जोड़ा है उतना ही यहां पर जोड़ेंगे, तो कितना जाएगा? 26। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, यहां पर 4 है, यहां 37 है, तो यहां पर क्या आएगा? ऑप्शन क्या है? 34, 21, 22 और 16। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है इसमें किसी भी प्रकार का रूल मेथड यहां पर कुछ भी किया जा सकता है नंबर, दूसरा नंबर लाने के लिए। देखिए यहां पर 41 है और यहां पर 4 है, इस 41 का हमें 4 बनाना है। कुछ भी करें, जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, लेकिन 4 हमको लाना है। तो कैसे आ सकता है? गुना करेंगे, गुना से भी नहीं आएगा। 41 की क्या हमें गुना करें कि 4 आ जाए? घटाएंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, 41 से 4 लाना है हमें, तो गुना नहीं हो सकती, क्योंकि गुना करेंगे तो ज्यादा आएगा। 41 के 4 में गुना करेंगे तो गुना नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा नंबर आएगा। 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 4 नहीं आएगा। क्या हो सकता है फ्रेंड्स, 4 कैसे आएगा? देखिए 41 है, अगर 41 को हम तोड़ दें 4 × 1 में, तो ऐसे 4 आएगा फ्रेंड्स। फिर यही मेथड हमको यहां अप्लाई करना है। 37 है, तो 37 को हम तोड़ देंगे 3 × 7 में, ठीक है? कितना आ गया? 21। ये 21 हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल कुछ भी करो, लेकिन इसमें हमको बस नंबर लाना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 123 है, यहां पर 36 है, यहां 221 है, तो यहां पर क्या आएगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन क्या है? 52, 69, 72 और 25। 123 से हमें 36 बनाना है फ्रेंड्स। क्या काम करेंगे हम यहां पर? गुना करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे? देखिए 123 को 36 में हमको कन्वर्ट करना है। यदि किसी संख्या से भाग करें तो 36 भी नहीं आएगा, और घटा भी, अगर घटा कर भी देखें तो 36 नहीं आएगा फ्रेंड्स। पिछले वाले सवाल की तरह ही होगा ये भी। कैसे? देखिए 123 से 123 को यदि हम तोड़ दें टुकड़ों में, 1 + 2 + 3 इजकल टू 6 आ गया, 6 का स्क्वायर कर दे तो 36 ये मैच हो गया है। बिल्कुल सेम मेथड यहां पर अप्लाई होगा, 2 + 2 + 1
इज इक्वल टू 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स, 25, ये हमारे ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 42 यहां पर 20 है और यहां क्या है 64 और यहां पर क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन क्या है, 23, 34 और 31, 32। देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सोल्व आउट करना है। 42 यहां पर 42 है और यहां पर क्या है 20 है, 42 से हमें 20 बनाना है तो ये थोड़ा सिंपल है। 42 को हम डिवाइड कर देंगे, दो से डिवाइड कर देंगे, 42 को 20 में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे तो जाहिर है पहले हाफ कर देंगे यानी आधा कर देंगे, 42/2 करेंगे तो 21, उसमें से एक घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। बिल्कुल सेम मेथड वहां पर अप्लाई होगा 64 में, 64 तो 64/2, 32-1 करेंगे तो 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 हमारे कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरू जी, मदन मोहन मालवीय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन क्या है, चाणक्य, महात्मा गांधी, शिवानंद, प्लेटो। तो फ्रेंड देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन क्या है, दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, आत्माराम पांडुरंग। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड ऑप्शन क्या है, पद्मा, मेघना, दिहांग, नारायणी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्मा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है, ऑप्शन क्या है, सुडान, अल्जीरिया, मिस्र और इथियोपिया। तो फ्रेंड देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र। मिस्र देश, जो मिस्र देश है, मिस्र देश देन है नील नदी। ठीक है मिस्र देश की क्या है, देन है नील नदी। ठीक है फ्रेंड्स आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।